नमस्कार आदि कुकिंग एक्टिविटी चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। पोटल कुरमा से पुणी बिना प्याज रसुण रे एथिरे कोनोसी काजु पोस्तक दही पा कोनोसी क्रीम पड़ीनी तथापि लागिबो मंदिर भोजी परी स्वादिष्ट। आपण माने देखिकी जानि बर्दिबे पोटल कुरमा केते रिच देखा जाउछ केते कलरफुल देखा जाउछ। एही स्वादिष्ट पोटल तरकारीटी रोटी भात परटा सब थे खाईपरिवे आ बहुत बढ़िया लगे। आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु आ घरे थरे बनातु देखिबे बहुत पसंद आसीबो समस्त को। जदि वीडियोटी आपण मानक पसंद आसे ताले वीडियो को लाइक कर देबे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करने पर जमार भूलबेनी। तबे चलंतु आज रेसीपी स्टार्ट करिबा। एही रेसिपी मु पाखापाखी 500 ग्राम पोटल नहीं पोटल को भल भाव गोटा धोई देखु भल कि काटी ता सहित एटी मीडियम साइज रो आलु चारोटी नहीं आलु को भी भल कि धोई तार चोपा झड़े एमती काटिक रखी। आपण माने पोटल को जो साइज रे काटिले भी चलिबो। पोटल को एमती काटिबा द्वारा पोटल भल कि भाजी हो जिवो भल कि सीझी जिवो पोटल रे तेल मसला भी भल भाव रहिबो। एबे पोटल को साइड रे रखी दबा तापर मसला बनेबा। एठे मु कोन कोन सब मसला नहीं छी आपण मानको कहि दउ छी। एठे मु दुईटी टमाटो को काटि के रखी छी फाळे नडिया नहीं छी चारि पीस नहीं छी अदा चारोटी कंचा लंका एठे पीनट्स नहीं छी 25 ग्राम। एबे आउ सब कोन मसला नहीं छी ड्राई मसला मु कहि दउ छी। एठे देखंतु दुईटी सुखला लंका गोलमरीच 4-5 गुजराती 4 पानमधुरी गोटे चामच धनिया पाउडर 2 चामच जीरा पाउडर 1/2 चामच एसब मसला को प्रथम आग को भाजी दबा। रोस्ट कर सारा परे याकु पेस्ट बनई नबा। एबे गैस ऑन करिबा गैस रे कढ़ाई बसेबा। एठ देखंतु कढ़ाई ताती गलानी। एबे मु सेतरे चीना बादाम पकई दबा। चीना बादाम प्रथम पकई कि अल्प समय भाजी देबे हल्का चीना बादाम भाजी गला परे सेथिरे आउ जतक मसला सब अछि पकई कि भाजीबा। एही समय रे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रे भाजीबे। अल्प समय भाजीबे बेसी भाजीबा आवश्यकता नाही। देखंतु एडी भाजी गेलानी। एबे याकु प्लेट को काढ़ी दबा थंडा हवा को छाड़ दबा। थंडा हेला परे याकु पेस्ट बनेबा। बर्तमान आलु आ पोटल को भाजी नबा। एठी मु 5-6 चम्मच तेल नहीं छी। आपण माने आपण मानक पसंद रे तेल नहीं पारिबे। रिफाइन तेल टी गरम हेला परे सेतिर आलु पकई भाजीबा। आलु रो कलर चेंज हबा पर्यंत भाजीबा। एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिबा। एठी देखंतु आलु भाजी हे गेलानी। एबे गोटे प्लेट को आलु गुड़ी को काढ़ी दबा। से ही तेल रे पोटल को भाजी नबा। मु एठे अल्प तेल रे पोटल को भाजुची। आपण माने अधिक तेल रे पोटल भी छानि परिबे। एठी देखंतु पोटल को हल्का कलर चेंज हबा पर्यंत भाजीबा। पोटल को भाजिला बेले गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा जेंति पोटल टी हल्का भाजी हबो बेसी कड़ा भाजिबेनी। पोटल भाजी हबा भितरे एठे मु तार मसला गुड़िक बनै नउछि। एबे ई मसला सब को पेस्ट कर दबा। एटे देखंतु मसला बनेबा पई गोटे मिक्सर जार आनिबा। मिक्सर जार रे ई मसला सब पेस्ट बनै दबा। चीना बादाम रो मु एटे चोपा छड़े दे छी ठंडा हे गेलानी। एबे एथिरे दे दबा एथिरे अल्प पानी दे कि मसला पेस्ट बनै नबा। एटे देखंतु मसला पेस्ट प्रस्तुत हे जाई छी। एबे गोटे काच पात्र को यह को काढ़ी दबा। मसलार जत पानी थेबो इसु भल कि धोई मसलार दे दबा। फुनी आ गोटे मसला इतरे पेस्ट बनई नबा। एबे गोटे फुनी मिक्सर जार आनिबा सेतरे नडिया टमाटो कंचा लंका अदा गुड़ी को पेस्ट कर नबा। एथिरे अल्प पानी दे कि पेस्ट करिवे जेतु टमाटो पड़छि टमाटो रु भी पानी बाहरिबो। पानी प्रथमे अल्प दे कि पेस्ट करिवे जदि पेस्ट न होला भ लगे ताले सेकंड टाइम पानी दे कि पेस्ट करिवे। एड देखंदु मसला पेस्ट प्रस्तुत हे गेला। एबे चलंदु आमे पोटल को देखि नबा पोटल भजा हेलानी ना नाही।
ये देखो पोटल गोल्डन ब्राउन कलर हो गला ही भाजबे बेस भाजे आवश्यकता ना भल लगे खावापी एवं गोटे प्लेट को पोटल को काढ़ीद एवं चलत तार ग्रेवी प्रस्तुत करवा। ये देखो कड़ाई में तेल 4 चम्मच अच्छी से ही तेल ग्रेवी बनवा आपण मैंने जी क्वांटिटर तरकारी बनइबे से ही अनुसार तेलर परिमाण कम बेसी करी एवं तेल गरम हो गला से गोटा गरम मसला सब पकेबा से 2 तेजपत्र पकेबा गुजराती गोटे डालचीनी 2 लवंग 2 जीरा 1/2 चमच पक भल बासना आसवा पर्यटन भले कि भाजवा एवं से मसला पेस्ट सब आड कर नवा एटी मु टमाटो अदा कंचा लंका नड़िया जो पेस्ट कर रखी थी एवं से ही मसला को पकईद यह 4-5 मिनट पर्यटन यहपर भल कि गोल कषि ने 5 मिनट हो गला से मसला पा तक आड कर नवा यह भल कि गोलईद एवं चलतु एथेर मसला पाउडर सब आड करवा रेड चिली पाउडर 1 चमच हलदी पाउडर 1/2 चमच जीरा पाउडर 1/2 चमच धनिया पाउडर 1/2 चमच एवं मसला को भल कि गोलईद गैस्र फ्लेम को मीडियम रखा जेहेतु मसलाटी कषा हो समय लगे यह 10-15 मिनट पर्यटन मसला को यहपरी भाव में कषा एवं 10 मिनट हो गला से चिन्हबादाम पान मधुरी धनिया गुजराती पेस्ट को पकेबा एक मसला को भल कि गोल नवा लो टू मीडियम फ्लेम रे मसला को 3 मिनट घोड़ेद ये देखो 3 मिनट हो गला मसला को देखा मसला को गोलईद भल कि पुणी घोड़ेद मसला को मसला को 10-15 मिनट कभर कर कषिद मसला को मझेरे मझेरे कभर काढ़ी देखुथे कहीं मसला को मझेरे मझेरे न देखे मसलाटी कड़े लगे देखिए मसलार पा कमीगला अल्प अल्प पा दे मसला को कषि ने पुणी एवं मसला को कभर करद मसला को से पर्यंत कषिबे घोड़ेगी जेपर्यंत मसलार तेल गुड़िक अलग नई ये देखो मसलाटी कषि आसला घोड़ेद 2 मिनिट ये देखो मसलाटी आमर भल कि कषि सही आपण मैंने देखिपे मसलार तेल गुड़िक उपरको आसीगला माने मसला परफेक्टली हो गला मसलाटी कसला बेले केते बढ़िया बासना आसुची आपण मैंने इमाजिन करें आपण मैंने घरे बनैले भी जापरिवे बिना पिज रसुण से ये स्वादिष्ट रेसीपी तैयार हुए आपण मैंने थे बनैले निश्चिंत जापर ये देखो मसलाटी कम्प्लीट हो गला एवं से 2 ग्लास पानी देद आपण मैंने जी ग्रेवी रखे से अनुसार पा देवे ये मु 2 ग्लास पानी दे एबे या 2 मिनिट घोड़ेद फुटापाई ये देखो ग्रेवी आमर फुटला एवं से आलू देद भाजिक रखी आलू को मुझे पकईदे आलू प्रथम पकईद आलू टे सीझाप समय लगे एवं या घोड़ेद 2 मिनिट हो गला आम चेक कर नवा आलू सीझी ना ना एवं स्वाद अनुसार लुण पकेबा 1/2 चमच डालचीनी पाउडर पकेबा और 2 कंचा लंका पकेबा कंचा लंका आगु बटा है आपण मैंने जदि अधिक राग खाइबे से ही अनुसार कम बेसी करेंगे ये मु भाजिक रखी पोटल को पकईदे एवं पोटल को घोड़ेद 5 मिनिट 5 मिनिट पर आम देखा ये देखो 5 मिनिट हो गला पोटल क्रमा के कलरफुल केन्दर देखा जापण मैंने तो देखिपे देखा को तो बहुत बढ़िया देखा जा खावाक तो बहुत बढ़िया लगे ये आम चेक कर नवा आलू ये देखो आलूटी हो आसला एवं आउ 2 मिनिट पर्यंत टी घोड़ेद भल कि कुकवा को ये देखो 2 मिनिट हो गला पोटल आम देखी नवा ये देखो पोटल कुर्मा आम प्रस्तुत हो गला एवं यह देखी नवा आलू पोटल सीझी ना ना ये देखो आलूटी भल कि सीझी जाइए पोटल भी भल कि सीझी जाइए पोटल समय लगे कारण मुझे आगुरी भाजी देती एवं ए गुआ घी पकईद गुआ घी पकेले बहुत बढ़िया टेस्ट है बहुत बढ़िया बासना हुए यही पोटल कुर्मार टेस्ट बढ़ी जाए जदि आपण मान घरे गुआ घी थी पकेबे ना स्किप करदे इमिति भी यार टेस्ट बहुत बढ़िया एवं यह गोटे प्लेट को सर्व कर नवा
ଏହି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ରେସିପିଟି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଭୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ସେହିପରି ଏହାର ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ବନେଇକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ରେସିପିଟି ଭାତ ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି।